यस स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बच्चा। आज हमने करना है लेसन संसार पुस्तक है। ऑफलाइन बच्चे अपने अपनी बुक बाहर निकाल लो, ऑनलाइन आप बच्चे अपनी अपनी बुक निकाल लो। यस, अपने आप को म्यूट कर लो। गुड मॉर्निंग। यस स्टूडेंट, बुक निकालो, संसार पुस्तक है। बच्चे ये जो लेसन है, ये जवाहरलाल नेहरू जी की बायोग्राफी में से लिया गया है, जो उन्होंने पत्र के रूप में इंदिरा गांधी को लिखा था। क्लियर। अब उन्होंने इंग्लिश में ऐसे नियर अबाउट 30 पत्र लिखे हैं, ठीक है। और इन 30 पत्रों में उन्होंने इंदिरा गांधी को हर चीज के बारे में नॉलेज दी है। तो इस लेसन को इंग्लिश में पत्र के रूप में लिखा गया था इंदिरा गांधी जी को, और ये जवाहरलाल नेहरू जी की बायोग्राफी का एक पार्ट है, एक हिस्सा है छोटा सा, ठीक है। तो उसको हिंदी में अनुवादित किया है मुंशी प्रेमचंद जी ने। क्लियर है, ठीक है। तो नियर अबाउट 30 लेटर मैंने आपको बोला लिखे थे। हुआ क्या, मैं आपको बताती हूँ कि एक्चुअल क्या होता है कि जब यस आपको मैंने बोला एक दूसरे के साथ कोई भी चीज शेयर नहीं करनी, सीधे होकर बैठो, यू लिसन टू मी ओनली, ओके, इफ यू डोंट हैव अ बुक नो लिसन। बच्चे क्या हुआ कि जब भी कोई छोटा बच्चा आपने देखा है बहुत सारे क्वेश्चन करता है ना, तो जिस इसी तरह इंदिरा गांधी जो थी वो जब भी जवाहरलाल नेहरू जी के पास होती, उनके साथ कहीं जाती, तो बहुत सारे प्रश्न करती। तो इसी तरह जवाहरलाल नेहरू जी भी उनके हर क्वेश्चन का, हर प्रश्न का उत्तर देते थे। क्योंकि आपने भी अक्सर देखा होता है, जैसे आप ही हो छोटे हो, जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो जैसे हम कहीं जा रहे हैं, मान लिया रोड पे ही जा रहे हैं, कार में जा रहे हैं, आगे रेड लाइट आ गई, कार रुक गई, तो बच्चा पहला क्वेश्चन करेगा, मम्मा पापा आप यहाँ क्यों रुक गए। फिर उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है, बेटा रेड लाइट है। फिर रेड लाइट पे क्या होता है, फिर उसको बताना पड़ता है कि रेड लाइट होती है तो हम आगे जंप करके नहीं जा सकते, लाइट जंप नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें फाइन है, पेनल्टी है। बींग अ ह्यूमन बींग हम उसको हर चीज, हर वो चीज समझाते हैं जो वो समझना चाहता है। तो इस तरह उसको हर प्रश्न का उत्तर जो है वो मिल जाता है। लेकिन ये जो पत्र लिखा गया है, उस समय जवाहरलाल नेहरू जो थे वो इलाहाबाद में थे, और इंदिरा गांधी जो थी वो हॉस्टल मंसूरी में थी, पढ़ रही थी। तो उन्होंने कहा कि पहले तुम साथ होती थी तो बहुत सारे प्रश्न पूछती थी और बहुत सारी बातें हम लोग करते थे, और आपके हर प्रश्न का उत्तर मैं देता था, लेकिन अब आप मेरे पास नहीं हो, तुम मंसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में, तो मैं तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता, लेकिन इस पत्र के द्वारा मैं तुम्हें दुनिया के बारे में बताना चाहता हूँ। तो वो सबसे पहले क्या बताते हैं, कहते हैं कि दोनों इस तरह बातचीत नहीं कर सकते, इसलिए मैंने इरादा किया है कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की ओर उन छोटे बड़े देशों की जो इस दुनिया में है छोटी छोटी कथाएं लिखा करूं। तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा है, लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान जो एक बहुत बड़ा देश है फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है ना। कहता है दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है, अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक है तो तुम्हें सब देशों का और उन सब जातियों का जो उसमें बसी हैं ध्यान रखना पड़ेगा, केवल उस एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो। तो आगे क्या कहते हैं जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी जी को एक पत्र लिखते हैं और बताते हैं कि तुम्हें अगर किसी भी बारे में जानकारी हासिल करनी है, पहले तो आप मुझे बताओ कि हमने किसी के बारे में जानना तो हम क्या करते हैं, उस चीज की बायोग्राफी ढूंढते हैं, उसका पता ढूंढते हैं, उसकी बुक ढूंढते हैं, फिर उसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं, इज़न्ट इट। कोई भी चीज है, आज आपके पास गूगल है तो आप गूगल पे सर्च कर लेते हो ये कहाँ बनी है, कैसे हुई है, कैसे तैयार हुई है, उसमें सारी आ जाती है। लेकिन कैसे, आफ्टर ऑल किसी ने तो उसको लिख के रखा ना। तो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जी इसको समझाते हैं कि तुम्हें इंग्लैंड और हिंदुस्तान के बारे में तो पता होगा,
ठीक है, तो वो कहते हैं कि इंग्लैंड जो है वो एक छोटा सा टापू है, ठीक है ना, छोटा सा आइलैंड है, लेकिन हिंदुस्तान जो है वो एक बहुत बड़ा देश है, लेकिन फिर भी वो इतना बड़ा नहीं है, वो पार्ट ऑफ वर्ल्ड, विश्व का एक हिस्सा है, छोटा सा हिस्सा है, उसमें भी पूरी दुनिया नहीं समाती, क्लियर। तो वो कहता है कि दुनिया के बारे में अगर तुम्हें जानकारी हासिल करनी है तो आप हर एक चीज से उसके बारे में जान सकते हैं, ठीक है। मैं अब बुक नहीं रीड आउट करूंगी, सिर्फ तुम्हें बताऊंगी। तो वो कैसे बताते हैं, कहते हैं कि पुराने समय में कहते थोड़ी सी बातों का भी तुम्हें शौक शौक से पढ़ोगे, अगर हम कोई किताब लेते हैं और उसे शौक से पढ़ते हैं, तो वो कहते हैं अगर आप किताब में कुछ शौक से पढ़ते हैं तो इसी तरह आप किसी भी चीज़ के बारे में, मान लिया इस पेड़ के बारे में मैं जानकारी हासिल करना चाहती हूँ, तो इस पेड़ की डीप जड़ें जो हैं वो कितनी डीप है, तना जो है वो कितना पुराना है, ठीक है ना, इसका स्टेम जो है वो कितना पुराना है, ये सारी जानकारी हमें अकॉर्डिंग टू साइंस के साथ कोरिलेट करके इससे मिल सकती है, कि जड़ें ऐसी हो तो वो कितनी पुरानी होती है, तना ऐसा हो तो कितना पुराना होता है, इज़न्ट इट। तो इस तरह हम किसी भी चीज से उसका हाल जान सकते हैं। तो ये सारी बातें जो है जवाहरलाल नेहरू जी इंदिरा गांधी को एक पत्र के रूप में समझा रहे हैं, कहते हैं कि अगर तुम्हें दुनिया में रहना है तो दुनिया के बारे में जानकारी हासिल करनी है कि उसमें किस तरह के, अब जैसे हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान के बारे में जानना है तो इसमें तरह तरह के लोग रहते हैं, कितनी तरह की प्रजातियां हैं इसमें लोगों की, और कितनी तरह के जीव जंतु भी रहते हैं, हर चीज रहती है, प्रकृति है, कहाँ की प्रकृति कैसी है, किस स्टेट में कौन सी पैदावार ज्यादा होती है, पंजाब में क्या चलता है, वहां का कल्चर कैसा है, तो आपको हर स्टेट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले वो दुनिया के बारे में, जो लोग जहाँ रहते हैं वो तुम्हारे भाई बहनों की तरह है, कैसे हैं, किस तरह वो रहते हैं, ये सारी जानकारी अगर तुमने दुनिया के बारे में जानना है तो ये सारी चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या कहता है कि दुनिया एक है और दूसरे लोक में इतने आबाद हैं हमारे भाई बहन है, जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया और उसके आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी, इज़न्ट इट। किताबों में से हमें हर चीज मिल जाती है, ठीक है ना, उससे तुम्हें जितना आनंद मिलेगा उतना किसी कहानी या उपन्यास में भी नहीं मिलेगा, ये तो तुम जानती हो कि धरती, अब उन्होंने बताया है कि धरती पे लोग कैसे आए, धरती पहले कैसी थी, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमने आगे भी ये पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, अक्षर पढ़ा हुआ ना, अक्षरों का ज्ञान कैसे हुआ था, तो ये सारी चीजें हमने पहले भी इसी बुक में पढ़ी हुई है। क्या था लेसन का नाम, अक्षरों का महत्व, है ना, तो उसमें बताया था कि दुनिया जो है, ये धरती जो है एक गर्म लावे की तरह थी, यहाँ कोई भी सक्षम बोलो, बच्चे अपने आप ना माइक ऑन ऑफ करो, डिस्टर्बेंस हो रही है बाकी बच्चों के लिए भी, यस बेटा। तो फिर वो क्या कहते हैं, कहते हैं कि मैंने आपको बताया दुनिया धरती जो थी वो बहुत गर्म थी, कोई भी मनुष्य इस पर नहीं रह सकता था, कोई प्रकृति कोई जानवर कुछ नहीं रहता था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि इस पर प्रकृति का जन्म हुआ, प्रकृति आई, पेड़ पौधे, फिर धीरे धीरे पशु पक्षी आए, और उसके आज से 6 लाख वर्ष पूर्व, 5, 6.5 लाख वर्ष पूर्व यहाँ पर इंसान पैदा हुआ, ठीक है। फिर इंसान पैदा हुआ तो उस समय इंसान के पास कोई भाषा कोई लैंग्वेज नहीं थी, ठीक है, मैंने आपको बताया इंसान इशारों से बातें करता था, अपनी बात समझानी है तो इशारों का प्रयोग करता था, फिर धीरे धीरे उसने एक जगह से दूसरे व्यक्ति को अगर बात समझानी है तो वो उस चीज का चित्र बनाकर वो समझाता था पत्थरों पे ऊपर, फिर धीरे धीरे क्या हुआ उन्होंने भाषा बनाई, और वो भाषा इस तरह बनाई, लोग सोचते थे ये भाषा जो है भगवान की देन है, लेकिन वो भगवान की देन नहीं थी, भाषा किसकी थी, इंसान की देन थी, पहले आ करके बुलाते थे, आपने आदि मानव पढ़ा ना, पढ़ा हुआ ना आदि मानव के बारे में, तो उसमें ये सारी चीजें जो थी वो थी, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ लैंग्वेज आई, जब लैंग्वेज आई तो लोगों ने उसको, उस समय कागज नहीं होते थे, तो लोगों ने उसे लीव्स के ऊपर, पत्तों के ऊपर, ठीक है, पत्थरों के ऊपर लिख कर रखना शुरू किया उन बातों,
इस काल में ऐसा हुआ, जैसे आज ही है, हम अब तो हमारे पास हर चीज है, ठीक है, किताबों पेन कॉपियों के अलावा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, जैसे मैं आप बोल रही हूँ गूगल है, गूगल पे आप हर चीज सर्च कर सकते हो, जान सकते हो, तो इस तरह हमारे पास तो बहुत कुछ है, अपना मटेरियल आप लिख कर डाल सकते हो, बहुत सारे बच्चे कई यूट्यूब से कंसर्न है डालते हैं, ये सारी चीजें होती हैं, पुराने समय में ऐसा कुछ नहीं, तो वो कहते हैं कि अब तो हर चीज के बारे में आप नॉलेज हासिल कर सकते हो, तो उस समय क्या करते थे वो, सिर्फ और सिर्फ ये लिख के रखते थे ताकि आगे वाले को बता, जैसे आज ही है मैं आपको बता रही थी, जैसे इतनी बड़ी महामारी फैली हुई है, पेंडेमिक है, लेकिन हमारी आने वाली जनरेशन को इसके बारे में पूरा पता होगा, कैसे पता होगा, लिख के रखा जा रहा है, इतने लोग इस महामारी में मारे गए, इतने जीवित रहे, इतने ठीक हो गए, इसको ऐसे के ट्रीटमेंट मिली, ऐसे हुए, इतने हॉस्पिटल ऑर्गेनाइज किए, बहुत सारे गवर्नमेंट का क्या रोल रहा इसमें, उसका क्या है, हर चीज जो है वो लिखी जाती है साइड बाय साइड, तो ये चीजों की नॉलेज जो है आने वाली जनरेशन को होगी, और उनके लिए ये क्या बन जाएगा, इतिहास, इजंट इट, क्या बनेगा ये, इतिहास। तो जब मनुष्य ने इतिहास के बारे में जानना शुरू किया तो उसको हर चीज के बारे में जानकारी हुई, तो वो इंदिरा गांधी जी को समझाते हैं कि आगे तुम भी, पहले धरती पर कुछ नहीं था, तो कहता है कि जवाहरलाल नेहरू जी इंदिरा गांधी जी को कहते हैं कि आप प्रकृति की किसी भी चीज से उसकी कहानी जान सकते हैं। फिर वो एग्जाम्पल देते हैं, क्या एग्जाम्पल देते हैं कि आप एक सड़क के ऊपर पड़े हुए एक पत्थर को देखती हैं, या पहाड़ के नीचे पड़े हुए एक पत्थर को देखती हैं, तो मन में तरह तरह के सवाल आते हैं, क्योंकि वो पत्थर जब आपके हाथ में होता है तो वो नरम मुलायम, ठीक है, और समतल होता है, गोल होता है, लेकिन क्या वो शुरू से गोल था। फिर वो एग्जाम्पल दे के समझाते हैं, कहते वो पत्थर भी कहां से आया, पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में जब टकराएगा आपसे पत्थर, तो आपके दिमाग में भी ये प्रश्न आएगा कि ये पत्थर कहां से आया, भगवान ने ऊपर से तो नहीं ना फेंक दिए, तो कहां से आया, फिर आप दिमाग लड़ाओगे कैसे हुआ होगा, पहाड़ होंगे, पर्वत होंगे, उन पर्वत का एक पीस जो है वो गिर के टूट के गिरा होगा, लेकिन अब तो आप देखते हो पिक्चर्स में, टीवीज में, किस तरह पहाड़ टूटते हैं, किस तरह गिरते हैं, बाढ़ कैसे आती है, पीछे बादल फटे, किस तरह पानी गिरता है, हर चीज की आपको नॉलेज है, साथ साथ आपको होता है, लेकिन पुराने समय में ऐसा नहीं था, तो उसमें क्या था, वो कहते कि एक टुकड़ा ही अपनी कहानी खुद बता देता था, तो कहते कि हमें उसमें उस समय उसे गांधी, इंदिरा गांधी को समझाते हैं कि तुम्हें ये महसूस होगा कि किस तरह ये टुकड़ा जो था वो पहले जब चट्टान से टूटा था तो नोकीला था, ठीक है, ये प्रश्न भी है आपका, ध्यान से सुनना है, नुकीला था, टूटा, पहाड़ से लुढ़कता हुआ नीचे आया, फिर नदी तक पहुंचा पानी के साथ, और फिर नदी के पेंदे में, पेंदा होता है गहराई, ठीक है, उसका समतल नीचे तय, तो वो उसके पेंदे में पानी के साथ कभी लुढ़कता रहा, कभी एक चीज से टकराता है, कभी दूसरी से, तो जो उसके नुकीले हिस्से थे, पहाड़ जो नुकीले थे वो घिस जाते हैं और वो एक नरम मुलायम पत्थर बनता है, और फिर पानी आता है उसके साथ बहकर वो आगे किनारे पे पहुंच जाता है, पहाड़ के पास पहुंच जाता है, सड़क पे पहुंच जाता है, ठीक है, तो ये रोड़ा भी अगर आप उठाओ तो वो भी अपनी कहानी, अपनी जवानी बताता है, लेकिन आपको पढ़ने की सेंस होनी चाहिए, ह्यूमर होना चाहिए आप में, ठीक है, इतनी पोटेंशियल, इतनी क्षमता होनी चाहिए कि आप उसको भी रीड आउट कर सकते, जैसे मैंने एक पेड़ का एग्जांपल दिया कि ये पेड़ ही है, इसकी जड़ को आप लो, उसको टेस्ट के लिए भेजो, वो बताएंगे इतनी पुरानी जड़ है, तो आपको पता लगेगा ये पेड़ इतना पुराना है, इतने साल पुराने लगाया गया, क्लियर, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में जानकारी हम खुद उनके जवानी हासिल कर सकते हैं, अपनी मनगढ़ंत कहानियां नहीं बना सकते इसके लिए, तो वो इंदिरा गांधी जी को ये सारी बातें बताते हैं और साथ में कहते हैं जितनी किसी किताब से जानकारी हासिल होती है उतनी ही तुम पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियां, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियां और इसी तरह की और भी कितनी ही चीजें हैं जिनसे तुम्हें दुनिया का पुराना हाल पता चल सकता है। इज इट क्लियर? बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। अगर फिर वो प्रश्न पूछते होते कि अगर यही पत्थर अगर पानी में और आगे बढ़ता रहता तो इस पत्थर के साथ क्या होता, क्या कहानी होती इसकी, तो एज यू ऑल नो जब पत्थर के साथ, जो पत्थर इतना नुकीला था, लुढ़कता लुढ़कता गोल छोटा सा बन गया,
तो अगर और आगे जातेगा वो फिर टूटेगा, फिर उसके पार्ट्स होंगे, फिर वो पार्ट्स नीचे घूमेंगे, फिर और आगे जाएगा पानी के साथ बहता हुआ, तो वो अंत में क्या बन जाएगा, एक रेत का कण, पार्टिकल ऑफ सैंड, क्लियर। तो रेत का एक छोटा सा टुकड़ा, एक कण बन जाएगा और वो किसी भी नदी के किनारे पड़ा होगा अगर और आगे जाता है तो, उसकी क्या कहानी होती है। इज इट क्लियर? ये सारे क्वेश्चन है आपके, मैं इसलिए बार बार आपको स्ट्रेस दे रही हूँ, हाईलाइट कर रही हूँ ताकि आपको इसके आंसर क्लियर हो जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं। क्लियर है बेटा? क्लियर हो गया? तो ये लेसन में उन्होंने बताया है, कहता है कि किसी जवान या उसकी, ये जरूरी नहीं है कि अक्षर ही कहानी बताते हैं, जो लिखा हुआ है किताबें ही कहानी बनाती हैं, हर चीज प्रकृति की हर चीज आप अपनी कहानी खुद बनाती है। जैसे सूरज है, निकलता है, चलता जाता है, चलता जाता है, तो आप इसको देखते हैं यार सुबह से निकला है, कहीं नहीं रुकता, ठीक है। बादल आ जाएं, उसको कवर कर लें अपने अंदर, लेकिन फिर वो आगे निकलता है। बादल कोई भी रुकावट आए रुक थोड़ी जाता है, वो खड़ा हो जाता है कि यार अब तो बादल आ गए, मैंने नहीं आगे जाना। कभी हुआ ऐसे? क्यों? क्योंकि वो निरंतर चलता रहता है। आप क्या सीखते हो? आप भी उसकी तरह सीखते हो। रास्ते में जो आपका एम है, एम सेट किया है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे हैं, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, आपने भी मन में एम सेट किया है कि हमने अपने टारगेट तक पहुंचना है, चाहे जितनी भी मुश्किल आए, जिस तरह सूरज आगे बढ़ता है, इज़न्ट इट? रोज सुबह होती है, रोज वो निकलता है, अपना काम रूटीन में करता है। आप भी रोज आते हो स्कूल में, पढ़ते हो, अपनी हर चीज को प्रॉपरली कर रहे हो, तो आप अपना टारगेट अचीव कर सकते हो, इज़न्ट इट? कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? यस, कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये सारी चीजें जो है वो हमें प्रकृति की हर एक चीज हमें नई कहानी सिखाती है, बताती है ना। तो कहता है कि ये किस तरह आगे बढ़ा, क्या हुआ, ये सारी कहानी जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इस पत्र में लिखते हैं। अंत में कहते हैं कि अगर दरिया उसे और आगे ले जाता तो वो, मैंने आपको बोला, वो एक जर्रा बन जाता, पार्टिकल ऑफ सैंड, एक रेत का एक कण बन जाता। तो इस तरह इंदिरा गांधी जी को वो समझाते हैं कि अगर तुम्हें किसी भी चीज के बारे में जानकारी हासिल करनी है तो खाली किताबें पढ़ के नहीं होती, उसके बारे में डीपली जानना पड़ता है, ठीक है ना। उसकी हर चीज को मिन्यूटली चेक करना पड़ता है। कैसे हैं? ये जो लोग आगे पढ़कर रिसर्च करते हैं, तो रिसर्च में भी यही है कि ये चीज कैसे उगती है, कैसे इसमें, मान लिया किसी कीड़े की रिसर्च करनी है तो ये कीड़ा कहाँ पैदा होता है, किस तरह इसके एग आते हैं, हर छोटी छोटी चीज को वो मिन्यूटली पिकअप करते हैं। फिर आप लोग पढ़ते हैं आगे किताबों में, साइंस में, कि इसका, अब एक बटरफ्लाई है, किस तरह उसका वो एग जो है डेवलप होता है, किस तरह आगे एग से छोटा सा बेबी बाहर आता है, किस तरह वो अपने आप में वो बटरफ्लाई जो है वो बींग्स लगते हैं उसके, किस तरह पहले वो कीड़े के रूप में होता है, देखा आपने ना साइकिल उसका पढ़ा ना, बर्थ साइकिल कैसे होता है उसका, किस तरह एंड में उसके पंख टूटते, किस तरह एंड में वो खत्म हो जाता है, किस तरह वो एक गोल छोटे से इसमें होता है। तो वो आपको तो नहीं ना पता था, आपने क्या किया, किताबें पढ़ी, आपको टीचर ने पढ़ाया, ठीक है, रिसर्च की उसके ऊपर, जिसने भी किसी ने किताब लिखी है। क्लियर बच्चे? उधर बैठ दो आप। आप भी पीछे चलो बेटा, इधर आ जाओ। यस, क्लियर हो गया बेटे? क्लियर हो गया आपको सबको? लेसन क्लियर हो गया? अब इसी से रिलेटेड आपके प्रश्न उत्तर हैं। पहला है, लेखक ने प्रकृति के अक्षर किन्हें कहा है? बच्चे मैंने आपको बोला इधर बैठो, एक बेंच छोड़ के आप पीछे हो जाओ। आप आगे आ जाओ सारंग अपनी सीट पे। क्लियर हो गया सबको? अब पहला है, अब ऑनलाइन बच्चे आपसे बाद में पूछूंगी, पहले ऑफलाइन बच्चे, लेखक ने प्रकृति के अक्षर किन्हें कहा है? रेज योर हैंड इफ यू नो द आंसर, बोलो खुशी। यस, लेखक ने, अब ऑनलाइन बच्चे आप जवाब देंगे। आदगुण,
सात गुण सिक्स थे, आठ गुण, मेरी आवाज नहीं आ रही है आपको? सभी आप बताओ, सभी आपने हैंड रेज किया बेटा, गिव मी यस मैम, बोलो। यस मैम, शिक्षक ने पेड़ पौधों पत्थरों नदियों जंगलों को प्रकृति के अक्षर कहा है। यस, क्लियर है? नेक्स्ट, बेटा नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल, क्या कहा है लेखक ने, प्रकृति के अक्षर किसे कहा है? नदियों, सितारों, पहाड़ों, ठीक है, जानवरों की पुरानी सबको क्या बोला है? प्रकृति के अक्षर। क्लियर है? प्रकृति के अक्षर, जिस तरह आप किताबों के अक्षर पढ़ते हैं ठीक उसी तरह ये किसके अक्षर है? प्रकृति के अक्षर। इज इट क्लियर? प्रकृति के अक्षर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती कैसी थी? यस, लास्ट लास्ट गर्ल, लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती बहुत लावे की तरह बहुत गर्म थी और कोई भी मनुष्य इसके ऊपर नहीं रह सकता था। क्लियर है सिडोन? नेक्स्ट, ये आप बताओ गौरीश, लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती कैसी थी? लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती लावे की तरह बहुत गर्म थी, इस पर कोई जानदार चीज नहीं रह सकती थी, कोई भी लिविंग थिंग जो थी वो इसके ऊपर नहीं रह सकती थी। वेरी गुड, राइट आंसर। नेक्स्ट है बच्चे, दुनिया का पुराना हाल किन चीजों से जाना जाता है? कुछ चीजों के नाम लिखो। यस, बताओ। बच्चे बहुत सारी चीजें बताई हुई है यहाँ पे, आप पीछे आओ बुक में, वहां देखो कितनी सारी चीजें बताई हुई है, पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियां, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियां, कहते और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनसे हमें दुनिया का पुराना हाल जो है वो पता चलता है। क्लियर, समझ आ गई? ऑनलाइन बच्चे आप बताओ, बच्चे बारिश आप बता चुके हो, अक्षत, अक्षत, अक्षत बोलो बेटा, गायब हो गए। अक्षरा आप बताओ बेटा, अक्षरा। यस मैम। हाँ जी अक्षरा बताओ बच्चे, दुनिया का पुराना हाल किन चीजों पे जाना जाता है? कुछ चीजों के नाम बताओ। दुनिया का पुराना हाल नदियों, पुराने जानवरों की हड्डियों, समुद्र, पत्थरों आदि चीजों से जाना जा सकता है। पहाड़ों, पर्वत, मैंने कितनी चीजें बता दी आपको, सितारे, हर चीज से दुनिया का पुराना हाल जाना जा सकता है। क्लियर, यही प्रकृति की अक्षर है जिनसे हम जान सकते हैं, यही बताया ना मैंने, वही प्रकृति के अक्षर है, वही उन्हीं चीजों से दुनिया का हाल जाना जा सकता है। जैसे एक पत्थर के टुकड़े ने बताया, मैंने सूरज का बताया, इस वृक्ष का बताया, आपको किस तरह आप जान सकते हो, लाइव एग्जांपल दिए आपको, ठीक है ना? तो ये सारी चीजें हैं। आगे कहता है, वेरी गुड बच्चे, अक्षरा प्रॉपर राइट आंसर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑफलाइन बच्चों के लिए, गोल चमकीला रोड़ा अपनी क्या कहानी बताता है? मैंने जब बताया था तो मैंने बोला था मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि आपके बुक में क्वेश्चन भी है। चलो बोलो, हरमन बताओ। पानी में बैठे
यस, वो अगर वहां नहीं रहता और आगे बढ़ता तो क्या होता, फिर से वो टूटता और वो और छोटा पार्ट उसका बन जाता और धीरे धीरे वो घस के क्या बन जाता, एक पार्टिकल ऑफ सैंड, एक रेत का कण। क्लियर है? ऑनलाइन बच्चे, यस देवांग आप बताओ बच्चे। यस मैम। हाँ बोलो। बोल चमकीला रोड़ा अपनी क्या कहानी बताता है? गोल चमकीला रोड़ा अपनी ये कहानी बताता है, वह एक चट्टान का टुकड़ा होता है, नदी के साथ बहते बहते वह एक चमकीला रोड़ा बन जाता है जो जो समुद्र के किनारे आ जाता है। यस, वो एक गोल और चमकीला, पहले वो नुकीला होता है, बताओ ना, पहले वो नुकीला होता है चट्टान का टुकड़ा जब बनता है, ठीक है, जब चट्टान से टूटता है तो उस समय वो गोल नहीं होता लेकिन वो नुकीला होता है, लेकिन धीरे धीरे वो जब लुढ़कता है इधर उधर तो घिस के उसके किनारे जो है वो खत्म हो जाते हैं और वो गोल बन जाता है। क्लियर है? तो ये थी गोल चमकीले रोड़े की कहानी। आगे है, गोल चमकीले रोड़े को यदि दरिया और आगे ले जाता तो क्या होता, विस्तार से लिखो ऑफलाइन। तो वो एक, यस, वो चमकीला रोड़ा जो है वो और टूट जाता और धीरे धीरे वो क्या बन जाता, रेत का कण, और बच्चे उस किनारे पर वो आ जाता, अपने बाकी भाइयों से मिल जाता और बच्चे उस पर खेलते, अपने घरोंदे बनाते, isn't it? तो ये होता उसके साथ। आगे है, नेहरू जी ने इस बात का हल्का सा संकेत दिया है कि दुनिया कैसे शुरू हुई होगी, उन्होंने क्या बताया है पाठ के आधार पर? यस, आप, आपको नहीं आता, बोलो, आप बोलो बेटा। सबसे पहले प्रकृति का जन्म हुआ धरती पर, फिर धीरे धीरे जीव जंतु आए और फिर इंसान पैदा हुआ, और इंसान आज से केवल 6-7 लाख वर्ष पहले ही आया है। क्लियर? और फिर धीरे धीरे उसकी भाषा आई और फिर इतिहास की रचना हुई। तो ये इस पाठ के आधार पर बनाया है, तो आपको इस पाठ के प्रश्न उत्तर और पठित गद्यांश आ सकता है। तो आप, तो मैं एक पैराग्राफ ले रही हूँ उससे कोरिलेट करते हुए मैं क्वेश्चन पूछूंगी, तो आप अपनी अपनी बुक खोल लो एंड गेट रेडी टू गिव द आंसर्स, ठीक है? कहता है, जब तुम मेरे साथ होती हो तो अक्सर मुझसे बातें, बहुत सी बातें पूछा करती हो और मैं इनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। फर्स्ट पैराग्राफ लिया है, ये अंत तक आ जाओ, जिस मैं तुम पैदा हुई हो। क्लियर? क्लियर? तो पहला क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ, इस प्रस्तुत गद्यांश में कौन किस से बातें कर रहा है, कौन किसके बारे में बात कर रहा है, बताओ। यस, नेहरू जी अपनी बेटी इंदिरा गांधी के बारे में बता रहे हैं। इस समय, यस बेटा, ये आदुन आपका, गौरी शाह का माइक कौन है बच्चे? मैम 6 बार कह चुकी आदुन आदुन। यस बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस समय ये पत्र लिखा जा रहा था उस समय जवाहरलाल नेहरू जी कहाँ थे और इंदिरा गांधी कहाँ थी? यस, इंदिरा गांधी मंसूरी में अपने हॉस्टल में थी और जवाहरलाल नेहरू जी इलाहाबाद में। क्लियर? आगे है,
जवाहरलाल नेहरू जी पत्र के द्वारा उसे किस चीज के बारे में समझा रहे थे? यस यस, इंदिरा गांधी को किन दो देशों के बारे में जानकारी थी? यस, इंदिरा गांधी जी को इंग्लैंड और हिंदुस्तान के बारे में जानकारी थी। ये ऑनलाइन बच्चे आप आ जाओ। इंग्लैंड कैसा देश है ये बताएगा मुझे अनमोल। अनमोल अनमोल बोलो बेटा। चलो गौरी साहब बताओ। बारिश? यस मैम। इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान जो एक बहुत बड़ा देश है। सिंपल पूछा था कि इंग्लैंड कैसा देश है, एक छोटा सा टापू है। क्लियर? मैं हिंदुस्तान से कंपैरिजन कर रहा था ना इंग्लैंड का। प्रस्तुत ये जो पाठ है संसार पुस्तक, इसके लेखक कौन है? कौन बताएगा? बताओ। और लेखक जो है वो जवाहरलाल नेहरू है, लेकिन उसे हिंदी में अनुवाद आपने स्पेशल बताना है। ये लिखा जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा है, लेकिन हिंदी में अनुवाद किया है मुंशी प्रेमचंद जी ने, क्योंकि ये जो था वो इंग्लिश में लिखा हुआ था। क्लियर? आई हैव अ डाउट। यस बोलो गौरीश। यस सर, अगर हमें आता है कि संसार पुस्तक है के कवि का क्या नाम है, तो मैम ये जैसे कि इसमें लेखक होता है। लेखक का क्या नाम है? जवाहरलाल नेहरू, और इसको हिंदी में अनुवाद किया है मुंशी प्रेमचंद जी ने। यस मैम।